दोस्तों, आज की हमारी इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स हैं जो कि आम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस मूवी में पल पल में ऐसे सीन्स को दिखाया गया है जो शायद व्यूवर्स को नहीं देखने चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 18 प्लस वाले लोग ही इस मूवी को देखें। तो आइए, वेलकम टू फॉल्स पॉजिटिव। इस मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था लूसी। वो खून में पूरी तरह से सनी हुई थी और वो सड़क पर चल रही थी, और तभी इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और मूवी लूसी और एड्रियन के बेडरूम में आ जाती है जहाँ पर दोनों सो रहे थे। लूसी जब अपनी नींद से जागती है तो वो बाथरूम में जाकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि नेगेटिव आता है। एड्रियन और लूसी की शादी को 2 साल हो गए थे और शादी के 2 सालों के बाद भी लूसी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, और इसीलिए एड्रियन और लूसी ने यह डिसाइड किया था कि अब वो फर्टिलिटी डॉक्टर के पास में जाएंगे। दोनों हिंडलेस वुमन सेंटर पहुंच जाते हैं जो कि एड्रियन के फ्रेंड का हॉस्पिटल था, और फिर डाउन नाम की एक नर्स उन्हें डॉक्टर हिंडले के पास में ले जाती है। फिर दोनों लूसी का चेकअप करवाने अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर हिंडले उनसे मिलने आता है। लूसी उन्हें ये बताती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके बाद में डॉक्टर हिंडले फिर से लूसी की बॉडी को चेक करता है और ये बताता है कि वो ठीक है और बस उसका FCG लेवल लो हो रहा है। लूसी IUI की मदद से प्रेग्नेंट हो जाएगी जो कि डॉक्टर हिंडले की बनाई हुई एक मेथड है, जिसे सुनने के बाद लूसी और एड्रियन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि डॉक्टर हिंडले की एक नई मेथड से लूसी प्रेग्नेंट हो सकती है। नेक्स्ट सीन में लूसी के बॉस ग्रेग ने उसे ऑफिस में बुलाकर ये बताया है कि उसे प्रमोशन मिल सकता है, जिसकी वजह से लूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर लूसी और एड्रियन वापस डॉक्टर हिंडले के क्लिनिक जाते हैं जहाँ पर एड्रियन अपना सीमेंट डॉक्टर को IUI के लिए देता है, जिसके बाद में दोनों खुशी से घर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि लूसी को अपने ऑफिस में उल्टियाँ होने लगी है जहाँ पर डॉक्टर हिंडले उसे बताते हैं कि लूसी प्रेग्नेंट है, जिसे सुनने के बाद में एड्रियन और लूसी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और घर आकर दोनों अपने होने वाले बेबी के नाम डिसाइड करने लगे थे। लूसी अपने जैसी ही एक लड़की चाहती थी जिसका नाम उसने वेंडी सोचकर रखा था। फिर अगली सुबह लूसी ग्रेग को जाकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे कि उसके सभी ऑफिस वाले बहुत खुश हो जाते हैं। फिर लूसी ग्रेग से उसके प्रमोशन के बारे में पूछती है, जिससे ग्रेग उसे बताता है कि उसके प्रेग्नेंट होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके बाद में लूसी और एड्रियन लूसी के अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि लूसी के पेट में 2 ट्विंस बॉय और 1 गर्ल है, यानी कि उसके पेट में टोटल 3 बेबीज हैं और वो 3 बेबीज से प्रेग्नेंट है। लूसी की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वो एक साथ 3 बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए डॉक्टर हिंडले उसे रिडक्शन यानी कि दोनों बॉयज़ या फिर 1 गर्ल्स में से किसी को चूज़ करने को कहते हैं, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर लूसी और एड्रियन रात को डिनर पर एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ पर लूसी एड्रियन से कहती है कि उससे एक लड़का और एक लड़की चाहिए, लेकिन एड्रियन लूसी के ऊपर वही रेस्टोरेंट में चिल्ला देता है क्योंकि एड्रियन को दोनों लड़के ही चाहिए थे, और दोनों में इस बात पर बहस छिड़ जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि रात के समय लूसी के सोने के बाद में एड्रियन चुपके से अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था, और सुबह होने पर वो लूसी से कहता है कि उसे भी अब लड़की होने से कोई एतराज़ नहीं है। और फिर एड्रियन लूसी को ये बताता है कि डॉक्टर हिंडले अपनी अवार्ड सेरेमनी में ये चाहता है कि एड्रियन उससे अवार्ड दे, और लूसी भी उसके लिए हाँ कर देती है। फिर लूसी एक एक्सपेक्टिंग मदर्स का ग्रुप ज्वाइन करती है जहाँ पर उसकी मुलाकात कॉर्गन नाम की एक और औरत से होती है जो कि IVF से प्रेग्नेंट हुई थी, मतलब कि उसे आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया गया था। कॉर्गन लूसी को बताती है कि उसने भी डॉक्टर हिंडले का अपॉइंटमेंट लेने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे डॉक्टर हिंडले का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। फिर हम ये देखते हैं कि लूसी एक दिन क्लिनिक में वेट कर रही थी जहाँ पर उसने मैगजीन में ग्रेस के बारे में देखा, जो कि एक स्पिरिचुअल मिडवाइफ थी। मिडवाइफ का काम था प्रेग्नेंट लेडीज और उनके बेबीज का ध्यान रखने का, और सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें दायमा कहते हैं। लूसी उस मैगजीन को देखकर ग्रेस से बहुत इम्प्रेस होती है, और इतने में एड्रियन और डॉक्टर हिंडले उसे रिडक्शन के लिए अंदर बुला लेते हैं। रिडक्शन के दौरान लूसी बेहोश होती है, लेकिन उसे बेहोशी की हालत में अपने पति और डॉक्टर हिंडले की बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी समझ नहीं आ पाया। फिर लूसी ये सपना देखती है कि उसने अपनी बच्ची को जन्म दे दिया है और वो बड़ी हो चुकी है, और उसका नाम वेंडी था। वो वेंडी को एक पार्क में लेकर आती है, लेकिन वेंडी का चेहरा एकदम खून से लाल हो जाता है
और वो डर के मारे एकदम उठ जाती है। और फिर एड्रियन डॉक्टर हिंडले और डाउन रूम में आती है और डाउन ने उन लोगों को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करा था ताकि उनके क्लिनिक पर कोई भी बातें ना बनाए। फिर लूसी डॉक्टर हिंडले से पूछती है कि उसके दोनों ट्विंस का क्या हुआ, जिस पर डॉक्टर हिंडले उससे कहता है कि वो बस एक फिटस है, मतलब कि वो पूरी तरह से बेबी के फॉर्म में नहीं आए हैं। और वो ये भी कहता है कि वेंडी का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा चुका है और उसे उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम भी देखते हैं कि रात के समय लूसी के यूरेटस में बहुत ज़्यादा खून आने लगता है, जिसे दिखाने के लिए वे डॉक्टर हिंडले के पास आ जाते हैं। डॉक्टर हिंडले उनसे कहता है कि ये नॉर्मल है और चिंता की कोई भी बात नहीं है। और फिर वापस जाते समय लूसी को क्लिनिक में एक लैब दिखाई देती है जिसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन लूसी उस आवाज़ को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ महीनों के बाद में लूसी अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन देती है जिससे कि उसका प्रमोशन पक्का हो गया था और वो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो अपने हस्बैंड एड्रियन को बताती है कि आज उसके पास उसका करियर, उसके बेबीज और उसका हस्बैंड सब कुछ है और अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर लूसी कॉर्गन से मिलने आती है जहाँ पर कॉर्गन उसे बताती है कि उसके बेबी के ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि उसे बहुत टेंशन है। फिर घर आकर लूसी और एड्रियन डॉक्टर हिंडले की अवार्ड सेरेमनी में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें एड्रियन के ऑफिस में से कुछ आवाज़ें आती है। एड्रियन अपने ऑफिस में जाकर देखता है लेकिन उससे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद में दोनों अवार्ड सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर लूसी को डॉक्टर हिंडले की बातों से कुछ अजीब फीलिंग आती है। और फिर रात के समय लूसी को फिर से एड्रियन के ऑफिस में से कुछ आवाज़ें आने लगती है, जिसे देखने के लिए वो ऑफिस में अंदर जाती है। वो ये देखती है कि उस ड्रावर के हैंडल पर खून लगा हुआ है और जब वो उस ड्रावर को खोलकर देखती है तो उसमें एक और लॉकर रखा हुआ था जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। और इतने में पीछे से एड्रियन आकर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर अगले दिन कॉर्गन लूसी को ये बताती है कि वो दूसरे डॉक्टर से मिली और अब सब कुछ ठीक है। और फिर लूसी कॉर्गन को ये बताती है कि आजकल उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और शायद डॉक्टर हिंडले ने उसकी बेबी वेंडी के साथ में कुछ किया है, जिसके बारे में एड्रियन को भी सब कुछ पता है। लूसी उस मिडवाइफ ग्रेस के पास जाने की सोचती है, लेकिन कॉर्गन उसे समझाती है कि इतनी टेंशन की बात नहीं है, इतनी जल्दी किसी डॉक्टर को चेंज नहीं करना चाहिए। फिर रात होती है और लूसी ग्रेस के वीडियोस देखने लगती है, जिसमें वो खो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। एड्रियन को लूसी की चिंता होने लगी थी और वो उसे सोने का कहकर बाहर चला जाता है। फिर अगली सुबह हमें देखते हैं कि हिंडले की नर्स डाउन लूसी के ऑफिस में आती है और वो उसे बताती है कि वो डॉक्टर हिंडले के कवर पेज वाली मैगजीन लेने के लिए आई है, जो कि लूसी ने क्लिनिक में अपने पास में रख ली थी। और फिर डॉक्टर हिंडले के अगले चेकअप में लूसी उन्हें उनकी मैगजीन को वापस कर देती है। और लूसी लौटते समय डॉन को उसी लैब में से निकलता हुआ देखती है। डॉन के हाथ में एक इंजेक्शन था जो उसने लूसी को देखकर छुपा लिया था। फिर हम ये देखते हैं कि लूसी के ऑफिस में ग्रेग लूसी को बताता है कि उनके हेड लूसी की प्रेगनेंसी के कारण ग्रेग को प्रमोट करना चाहते हैं। और इसे सुनने के बाद में लूसी बहुत ज़्यादा अपसेट होकर वहाँ से निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद में वो एड्रियन के ऑफिस आती है और उसे बताती है कि उसके आइडियाज़ को लेकर अब हेड्स ग्रेग को प्रमोट करने वाले हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि लूसी एड्रियन के लिए लंच लेकर आती है, लेकिन एड्रियन उससे कहता है कि क्या उसकी तबीयत ठीक है, क्योंकि लूसी अभी अभी ही उसे लंच देकर जा चुकी है। ये देखकर लूसी टेंशन में आ जाती है और फिर दोनों डॉक्टर हिंडले के पास में जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर हिंडले लूसी को ये बताते हैं कि वो डिप्रेशन में है, जो कि प्रेग्नेंट औरतों को अक्सर हो जाता है, और वो लूसी को एंटी डिप्रेशन पिल्स दे देते हैं। अब आखिरकार लूसी ग्रेस के पास आ जाती है और वो उसे बताती है कि 2 साल पहले उसकी माँ की डेथ हो गई थी और इसीलिए उसे एक लड़की चाहिए थी, जो कि उसे उसकी माँ के होने का एहसास कराए। अब नेक्स्ट सीन में एड्रियन एक होटल में डाउन से मिलकर उसे किस करके एक रूम में चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक रूम में डॉक्टर हिंडले और एड्रियन ने कपड़े नहीं पहने हैं और दोनों किस कर रहे हैं। वो लूसी अलमारी में छुपकर दोनों को देख रही है। जैसे ही एड्रियन की नज़र लूसी पर पड़ती है तो लूसी की आंखों में से खून आने लगता है और लूसी डर के उठ जाती है, मतलब कि ये एक सपना था। फिर वो एड्रियन के ऑफिस में रखे हुए लॉकर को देखने आती है और लॉकर में उसे अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट और उसके और ग्रेस के क्लिनिक के बाहर निकलते हुए कुछ फोटोज़ मिलते हैं, जो कि चुपके से लिए गए थे।
उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि लूसी को डिप्रेशन है और उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। लूसी को कोई इंजेक्शन लगा है जिसके बारे में उसे नहीं पता कि आखिरकार ये इंजेक्शन उसे क्यों लगाया गया है। लूसी वहां से उन सभी पेपर्स को ले जाकर कॉर्गन को दिखाती है और कॉर्गन उसे ये पेपर लेकर अपने लॉयर को दिखाने का कहकर उन पेपर्स को ले जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि रात के समय लूसी बाथटब में नहा रही थी और तभी एकदम से वो बाथटब पूरा खून से भर जाता है और तभी अचानक वहां पर एड्रियन आ जाता है और लूसी का गला दबाता है जिससे कि लूसी चिल्लाने लगती है और तभी अचानक सब ठीक हो जाता है और फिर असली में एड्रियन आकर उसे उस बाथटब से निकाल कर ले जाता है। फिर अगली सुबह लूसी एड्रियन को बताती है कि उसने अपनी जॉब और डॉक्टर हिंडले को छोड़ने का डिसाइड किया है और वो अब ग्रेस के पास जाएगी। एड्रियन इस बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों के बाद में लूसी का बेबी शावर होता है जहाँ पर कॉर्गन भी आई हुई थी। वो लूसी को एक बुक देती है और कहती है कि मेरी तरफ से लूसिया के लिए है। फिर लूसी कॉर्गन की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसका नाम लूसिया है और वो उठकर बाथरूम में चली जाती है। कॉर्गन उसे देखने के लिए बाथरूम में आती है और लूसी उसे गुस्से में उसकी तरफ देखकर उससे पूछती है कि वो भी डॉक्टर हिंडले के पास में जाती है। कॉर्गन उसे बताती है कि वो अपना बेबी चाहती थी इसलिए वो वहाँ पर गई थी और उसे लूसी की चिंता थी क्योंकि वो ऑब्सेस हो चुकी थी और डिप्रेशन में जा रही थी और इसीलिए उसने डॉक्टर हिंडले को सब कुछ बता दिया और वो फाइल भी उसने लॉयर को नहीं बल्कि डॉक्टर को ही दे दी। लूसी उन फाइल्स की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी जिस पर कॉर्गन उससे कहती है कि एड्रियन ने खुद बताया कि उसके ऑफिस में कोई लॉकर नहीं है। उसी के टेंशन से उसे कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है और वो वेंडी को जन्म देने के लिए ग्रेस के पास में जाती है। जन्म देने के दौरान जब बच्चा बाहर आता है तो ग्रेस उसे बताती है कि ये लड़का है और एक और बच्चा है जो अभी तक बाहर आना बाकी है और फिर ग्रेस उन्हें डॉक्टर हिंडले के पास जाने का कहती है और फिर डॉक्टर हिंडले एक दूसरे लड़के और एक डेड लड़की को निकालते हैं। लूसी को पता चलता है कि जब दोनों ट्विंस लड़के बच गए हैं और उसकी वेंडी की डेथ हो गई है तो लूसी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और एड्रियन उसे समझाता है कि पता नहीं ये आखिरकार कैसे हुआ लेकिन अब हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते और सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर एड्रियन और लूसी दोनों अपने बेबीज को लेकर घर आते हैं लेकिन लूसी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और फिर वो बाद में ग्रेस के पास जाकर रोने लगती है। वो देखती है कि ग्रेस का स्पिरिचुअल क्लिनिक पूरा बदल गया था लेकिन ग्रेस ने बताया था कि ये पहले से ही ऐसा है और फिर लूसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ में ये हो क्या रहा है। लूसी अपने बाथरूम में आती है जहाँ पर कांच के एक तरफ वो खड़ी थी और दूसरी तरफ पूरी तरह से खून में सनी हुई एक लेडी थी और वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के भी थी। फिर लूसी डॉक्टर हिंडले के क्लिनिक में जाती है जहाँ पर उसे नर्स से पता चलता है कि ट्विंस का बर्थ पहले से ही डिसाइड हो गया था। नर्स के जाते ही लूसी चुपके से उनकी लैब में घुस जाती है और वो लैब में देखती है कि वहाँ पर उसकी मरी हुई बेटी वेंडी का फीटस रखा हुआ है और तभी अचानक पीछे से डॉक्टर हिंडले आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसके ट्विंस जिस सीमन से हुए हैं वो डॉक्टर हिंडले का ही था। जिसे सुनने के बाद में लूसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है लेकिन डॉक्टर हिंडले उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए उसके पास आ रहा था लेकिन लूसी उसकी टांगों के बीच में मारकर उसे घायल कर देती है और उससे एक कांच के टुकड़े से मार देती है जिससे कि डॉक्टर हिंडले की वहीं पर डेथ हो जाती है और फिर वहाँ पर नर्स डाउन आती है जिससे कि उन दोनों में लड़ाई होती है और लूसी उस बेहोशी वाले इंजेक्शन को नर्स को ही लगा देती है। अब हम ये देखते हैं कि लूसी वेंडी का फीटस लेकर बाहर आती है और वो पूरी तरह से खून में सनी हुई थी। जब लूसी अपने घर आती है तो उसके दोनों ट्विंस रो रहे थे। लूसी उन दोनों ट्विंस को खिड़की से बाहर फेंकने की सोचती है लेकिन वो ऐसा नहीं करती और इतने में वहाँ पर एड्रियन आ जाता है। लूसी उन दोनों ट्विंस को एड्रियन को दे देती है और उसे इस घर से निकल जाने को कह देती है और फिर लूसी वेंडी के फीटस को लेती है और उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाने लगती है और इमेजिन करती है कि वो उसका दूध पी रही है और ये मूवी इसी के साथ में यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी एक ऐसी लेडी के ऊपर है जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी और इसीलिए वो डॉक्टर हिंडले की इन्वेंट की हुई टेक्निक से प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में 3 बच्चों के फीटस होते हैं, 2 लड़के के और 1 लड़की का। लेकिन तीनों बच्चों को जन्म देना रिस्की हो सकता था और इसीलिए डॉक्टर उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि वो बस 2 ही बच्चों को जन्म दे सकती है। लूसी को 1 लड़का और 1 लड़की चाहिए थी
लेकिन उसके पति एड्रियन को दोनों लड़के चाहिए थे और इसीलिए वो धोखे से लूसी की बेटी को मरवा कर अपने दोनों लड़कों को जिंदा रखता है। लूसी को डॉक्टर द्वारा लगातार तरह तरह के इंजेक्शन दिए जा रहे थे जिससे कि वो डिप्रेशन में थी और उसे अलग अलग तरह के हेल्यूजिनेशन भी हो रहे थे। लूसी को लड़की चाहिए थी और इसी कारण वह डिप्रेशन में चली जाती है और मूवी के लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि लूसी अपनी बेटी के फेटस को दूध पिला रही है जो कि उसकी एक बेटी की माँ बनने को दर्शाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।